हाय, मैं हूँ आयुषी और मैं लेकर आई हूँ एंटरटेनमेंट से जुड़ी टॉप 10 न्यूज। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से गणपति विसर्जन की तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। पलक तिवारी अपनी इन तस्वीरों में देसी लुक में नजर आई हैं। पलक तिवारी का ये लुक लोगों को काफी पसंद आया है। अक्टूबर में कृति सेनन अपनी ही बहन नुपुर सेनन से बॉक्स ऑफिस पर भिड़ती नजर आएंगी। जहां 20 अक्टूबर को कृति सेनन की मूवी गणपत रिलीज हो रही है, तो वहीं इसी दिन उनकी बहन नुपुर सेनन की डेब्यू फिल्म टाइगर नागेश्वर राव भी रिलीज होगी। हर साल की तरह इस साल भी इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 के लिए नॉमिनेटेड लिस्ट का ऐलान हो चुका है। वहीं लिस्ट में 3 भारतीय सितारे जिम सर्व, शेफ अली शाह और वीर दास का नाम शामिल है। ये इस साल नवंबर में होने जा रहा है। मुंबई में बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार के गणपति सेलिब्रेशन में एक्टर आमिर खान, अनंत अंबानी और अदा शर्मा पहुंचे, जहां से उनकी तस्वीरें सामने आई हैं और काफी वायरल हो रही हैं। इन फोटोज में आमिर के हाथों में लड्डुओं का थाल नजर आ रहा है। आदि पुरुष की असफलता के बाद साउथ सुपरस्टार प्रभास एक बार फिर से अपने एक्शन मोड में आ गए हैं। अब प्रभास पूरी तरह से किसी भी निर्देशक के विजन पर निर्भर नहीं होना चाहते। वहीं शाहरुख खान और सलमान खान की तरह प्रभास भी अब फिल्मों की शूटिंग के दौरान अपना पूरा इनपुट देंगे। लाल बाग चौराहा एक ऐसी जगह है जहां बड़े बड़े सितारे पहुंचते हैं और कुछ तो पहुंच भी नहीं पाते। इस वक्त कुछ शॉकिंग वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें से एक वीडियो मिस वर्ल्ड की भी है, जहां उन्हें भारी भीड़ के बीच बुरी तरह फंसने के कारण वापस लौटना पड़ा। सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी अपने माता पिता की लाडली हैं। वहीं हाल ही में ईशा अंबानी के दोनों बच्चों को लेकर मुकेश और नीता अंबानी सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे हैं। टाइगर श्रॉफ ने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म का नया पोस्टर शेयर कर दिया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, हमसे मिलने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। वहीं ये फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज होगी। विधु विनोद चोपड़ा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 12वीं फेल को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में विक्रांत मैसी भी नजर आएंगे। फैंस इस मूवी का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। विक्रांत मैसी की ये फिल्म 27 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू का टीजर रिलीज हुआ था और फिल्म के टीजर ने दर्शकों के बीच हलचल मचा दी थी। वहीं फिल्म का ट्रेलर काफी प्रभावशाली है और हर कोई अब इस पूरी घटना के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक है। फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।